नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मेरठ में मीट प्लांट के कोल्ड स्टोर में आग से हड़कंप मच गया है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ में मीट प्लांट के कोल्ड स्टोर में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। पूर्व सांसद शाहिद अखलाक की ये मीट फैक्ट्री है। थाना खरखोदा क्षेत्र के फूंदा इलाके का ये पूरा मामला है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ में मीट प्लांट के कोल्ड स्टोर में आग लगने से हड़कंप मच गया है। दमकल की कई गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद हैं। पूर्व सांसद शाहिद अखलाक की ये मीट की फैक्ट्री है। इस वक्त की बड़ी खबर, मीट फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया पूरे इलाके में। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। जनतंत्र टीवी पर एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, अमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, क्या जानकारी है आपके पास, कब और कैसे हुई ये घटना? देखिए, अभी आधा पौना घंटे पहले ये आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली थी, और सूचना पाते ही आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने की मशक्कत दमकल गाड़ियों की तरफ से की जा रही है, और भी जो फायर स्टेशन की तरफ से और गाड़ियों को भी बुलाया गया। अभी आग पर काबू नहीं पाया गया है। ये मीट फैक्ट्री के बगल में कोल्ड स्टोर था। इस कोल्ड स्टोर के अंदर जो मीट है वो रखा जाता था, और यही शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। इस तरीके की जानकारी शुरुआती तौर पर सामने आई है। काफी लोग यहाँ काम कर रहे थे उस वक्त जब ये आग लगी। अभी किसी के हताहत होने की सूचना इस आग में नहीं है। दमकल कर्मियों का कहना है कि अभी काफी समय लग सकता है आग पर काबू पाने में, क्योंकि वहां पर काफी केमिकल वगैरह भी कोल्ड स्टोर के अंदर मौजूद थे, जिसकी वजह से आग ने पूरे कोल्ड स्टोर को अपनी चपेट में ले लिया है। जी अमित, कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है और क्या कुछ लोग फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है ऐसी? देखिए, अभी तक जो अधिकारियों से बात हुई है, जो प्रत्यक्षदर्शी मौके पर मौजूद है, उनके मुताबिक जो भी लोग कोल्ड स्टोर के अंदर या मीट प्लांट के अंदर थे, उन सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। अभी किसी के फंसे होने की जानकारी तो निकल कर नहीं आ रही है। रही बात नुकसान की, तो आग पर काबू पाने के बाद आग लगने के कारणों के बारे में जांच की जाएगी, और इस आग से कितना नुकसान हुआ है उसके बारे में जानकारी की जाएगी, जो अधिकारी वो कहना है। जी अमित, क्या बताया जा रहा है, जिस तरीके की आग है कब तक काबू पा लिया जाएगा? देखिए, फिलहाल आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। कुछ और गाड़ियों को बुलाया है। दमकल अधिकारियों का कहना है कि एक दर्जन के आसपास गाड़ियों को बुलाया, आसपास के इलाकों से भी दमकल की गाड़ियों को बुलाने की जरूरत पड़ी तो वो बुला लिया जाएगा। और पूरी तरीके से आग फैल चुकी है वहां पर, उस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक अभी एक घंटे के आसपास का वक्त लग सकता है आग पर काबू पाने में, उसके बाद ही तमाम चीजों की जांच की जाएगी कि यहाँ जो फायर सेफ्टी के इंतजाम थे वो पर्याप्त थे या नहीं थे। इन्होंने फायर विभाग से एनओसी ली थी, तो पिछली बार का भी यहाँ पर फायर विभाग की टीम ने आकर चेक किया था कि जो भी सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए वो हैं या नहीं है। तो दमकल विभाग पर भी सवाल निशान खड़े हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से शहर से बाहर खरखोदा थाना इलाके में कोल्ड स्टोर है मीट प्लांट का, तो ऐसे इलाकों में ज्यादातर जो नियमों की अनदेखी करके अपने इस तरीके के मीट प्लांट या कोल्ड स्टोर या तमाम और जो फैक्ट्रियां वो चलने होने का पहले भी कई बार मामला सामने आया है। फिलहाल जो फोकस है अधिकारियों का वो आग पर काबू पाने का है, और उसके बाद तमाम पहलुओं पर जांच करने की बात की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको बता दें, मीट प्लांट के कोल्ड स्टोर में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद हैं, और आग को बुझाने की कवायद चल रही है।